जय हिंद नमस्कार ऑपरेटर साथियों, सबसे पहले आप सभी को हम कहना चाहते हैं फर्स्ट सेफ्टी डेनवर। और जो घटना हुआ है 30 मई 2022 को, जो आप लोग को पता है छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में जो घटना हुआ है, सबसे पहले ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन की तरफ से स्वर्गीय बिकी भुइया को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और सत सत नमन। और उनके परिवार के साथ ये संस्था खड़ी है। हम उनके परिवार से भी बात की, उनके बूढ़ी माँ से बात की, बहुत रोने लगी। हम चाहते हैं उनके एक अधिक से अधिक सहायता किया जाए कि जो स्वर्गीय बिकी भुइया के पिताजी 3 साल पहले गुजर चुके हैं, उनके भी बीमारी के कारण से गुजर चुके हैं और उनके एक कोई भी सहारा नहीं है। वो अकेले थे जो पूरा परिवार को चलाते थे। उनका एक छोटी बहन है 12 साल की, उनकी एक बूढ़ी माँ है। और आप लोग समझ सकते हैं कैसा कोई अगर लेडीज है तो उनका घर चलाना कितना मुश्किल होता है। और इतना बड़ा ऑपरेटर परिवार है, अगर हम लोग एक 10-20 रुपया सहायता कर देंगे ना उनके परिवार को, तो एक वो भी आगे चल के सोचेगा ये संस्था जो थी हमारा मदद की थी ऑपरेटर परिवार, क्यों नहीं इस संस्था को आगे और बढ़ाया जाए, उनके परिवार की एक मदद किया जाए। क्योंकि देखिए आज एक खून करने का समय आया है। अगर आप 10 रुपये उनको देते हैं ना, तो आगे चल के आप अगर किसी ऑपरेटर का ऐसा घटना ना, हम तो कहेंगे नहीं घटना ना घटे, लेकिन ऐसा घटना घट रहा है तो उनके भी परिवार को एक सहायता प्रदान मिलेगा। कि हम नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखते हैं, अल्लाह और भगवान दोनों देखते हैं। हम चाहेंगे उनके परिवार को एक अधिक से अधिक सहायता किया जाए। और जो अकाउंट नंबर दिए हैं बैंक ऑफ इंडिया का, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन नाम है होल्डर नेम, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन जो करेंट अकाउंट है संस्था का, और अकाउंट नंबर दिया गया है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी अकाउंट नंबर पर जितना आपसे हो सके सहायता करिए। 1 हफ्ते के अंदर उनके जो ये संस्था है, हम खुद भी जाएंगे उनके दरवाजे पर जाके उनको एक सहायता प्रदान किया जाएगा और आगे भी चल के उनको एक सहायता किया जाएगा। और ये संस्था उनके साथ खड़ी है। और घटना कैसे हुआ हम बतला रहे हैं। 30 मई को रात में करीब 9 बजे की 10 बजे, हमको भी उतना जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, जितना जानकारी हुआ है उतना हम बतला रहे हैं। टेलर पर मशीन चढ़ाते समय मशीन स्विंग हो गया लग रहा, हम मेरा जानकारी से जितना हुआ है कि देखिए हम भी खुद एक ऑपरेटर थे पहले, अभी हम मैंने मशीन नहीं चला रहे हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन पहले हम भी ऑपरेटर थे, हम भी मशीन चलाए हुए हैं। मशीन स्विंग करते वक्त कहीं या तो मशीन लेवल पर नहीं था, या तो या जो ट्रॉली था वो लेवल पर नहीं था, या जो लैंड था नीचे का ज़मीन वो वहीं से उनका अनबैलेंस हो गया। अलग अनबैलेंस होने के कारण मशीन पलट गई। क्योंकि देखिए बड़ा मशीन जो होती है ना वो जल्दी पलटती ही नहीं, लेकिन अगर उनको अनबैलेंस होता है ना तो जल्दी पलट जाती है। और उनको निकलने के लिए कोई चांस नहीं मिला। आप लोग यहाँ पर एक फ़ोटो हम तस्वीर लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसे जो सिर है उसके ऊपर केबिन दब गया है। तो ऐसा बहुत दुखद घटना है। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग साथ दीजिए इनके परिवार को, आगे आइए। ऑपरेटर एकता जिंदाबाद रहेगा और एकता बनाइए आपस में, ताकि ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बने। और एकता जब तक नहीं बनाइएगा ना, जब तक शोषण होते ही रहे। ये बताइए आप लोग, हजारीबाग में लगभग 5 लाख ऑपरेटर होंगे हमारा मेरा अनुमान से, लेकिन कम से कम वहाँ से केवल 500 ऑपरेटर जुड़े हैं। माने एक शर्म की बात है कि जहाँ पर 5 लाख ऑपरेटर हैं, कि और जब तक झारखंड का ऑपरेटर एक नहीं बनाएंगे ना, कि झारखंड का ऑपरेटर ही सुधार सकते हैं पूरा भारत के ऑपरेटर को,
झारखंड का अगर पैटर्न नहीं सुधरेंगे ना, जब तक भारत का पैटर्न नहीं सुधर पाएंगे। इसलिए आप लोग साथ दीजिए, जितने भी झारखंड का पैटर्न है बनाइए इस संस्था पर, कि हमारे हित के लिए बनी है और हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। जितना आपसे हो सके सहायता करिए। भारत के समस्त ऑपरेटर्स हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे आपसे जितना सक्षम है जरूर सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।